अफ्रीकन गेम्स में दो बार सिल्वर मेडलिस्ट रही एंगोले, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीत लिया है एंगोले ने वुमेन्स फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम्स में। नाइजीरिया की पहलवान फोलावोले बहुत बड़ा पल है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए, दो मेडल 62 किलोग्राम्स फ्री स्टाइल में अफ्रीका ने दोनों ब्रॉन्ज मेडल उस कॉन्टिनेंट में जीते। एस्थर ओमालोया फोलावोले बहुत मुबारक आपको। और ये थी राइवल साक्षी मलिक की, एना गोदिनेस गोंजालेस जो आगे भी चल रही थी और लीड में भी थी साक्षी मलिक के खिलाफ। बहुत अच्छा लड़ रही थी गोदिनेस गोंजालेस मगर आखिरकार साक्षी मलिक ने बाजी मार ही ली। और गोल्ड मेडल जीता है भारत की साक्षी मलिक ने, पहली महिला रेसलर बनी थी जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता हो, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। कुछ साल फॉर्म से संघर्ष किया लेकिन जबरदस्त वापसी साक्षी की, और अब भारत का राष्ट्रीय गान। खुशी के लम्हे हैं, ये भावनाओं के लम्हे हैं, ये आंसुओं के लम्हे हैं, और गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश को गौरवान्वित करने के लम्हे हैं। साक्षी मलिक पहला गोल्ड मेडल उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जबकि कनाडा को सिल्वर की, नाइजीरिया और कैमरून को ब्रॉन्ज की बहुत बहुत मुबारक। और मेडल जीतने के बाद अपने पूर्व प्रतिपक्षियों के साथ एक खुशनुमा फोटो खिंचवानी बिल्कुल बनती है, पर आपकी आंखों के ये खुशी वाले आंसू साक्षी भारत में ना जाने कितनी ही युवा रेसलर्स को प्रेरणा देंगे। काफी लंबे समय से ये कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल साक्षी से रूठा हुआ था, और रियो ओलंपिक्स के बाद 6 साल बाद साक्षी के लिए फिर बड़े मंच पे आना और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक बेहतरीन उपलब्धि है। To do things you have never done.